गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। आज मैं आपको दिखा रहा हूं मेरी प्रॉपर्टी। ये बेसिकली सेक्टर 23 में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में ट्रिक करते हैं वो नॉर्थ वेस्ट है। 14.5 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, इसमें एक ही फ्लोर सेल पर आया हुआ है जो कि सेकेंड फ्लोर है, बाकी सारा सोल्ड आउट है। और ये 263 स्क्वायर फुट साइज़ है कॉर्नर प्रॉपर्टी। ये इसका हो गया रैम्प एरिया, गेट यहाँ दी गई है फर्स्ट क्लास। मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको क्या इसका डिज़ाइन लुक एंड फील है। और ये इसका साइड व्यू हो गया, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये, जो कि आप देख पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द स्टिल्ट पार्किंग, पिलर्स में भी लाइट के इन्होंने काम करा हुआ है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ भी इन्होंने ग्रिल दिया हुआ, बट वो नॉन फंक्शनल है क्योंकि बिल्डिंग का फेसिंग तो ये फ्रंट है, तो इसको आप एक्सेस करोगे। और ये हो गया पार्किंग एरिया, और ये पार्किंग हो गया। और यहाँ फेस चेंजर भी दिया हुआ है, और ये डोर दी हुई है, फर्स्ट क्लास है। हाँ, यहाँ पे कैमरा आएगा इस तरफ, और यहाँ फेस चेंजर दिया हुआ है, और ये पार्किंग हो गया। मूविंग ऑन द फ्लोर एरिया, भी पार्किंग हो गई। यहाँ पे थ्री कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे दो गेट दिया हुआ फर्स्ट क्लास, और काम किया गया मार्बल का। और फॉसिंग का भी काम हुआ जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। और सबसे अच्छा क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको 7,500 लीटर का स्टोरेज टैंक है पर फ्लोर। आपको 7,500 लीटर का है पर फ्लोर, चार बना हुआ है, 7,500, 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
मतलब एक फ्लोर वाले को 8,500 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिल रहा है इसमें। ऑनर खुद ही रहेंगे इसमें, तो समझ सकते हो आपकी फर्स्ट क्लास बना हुआ है। फ्लोरिंग पे भी काम किया गया, मार्बल का फॉल सीलिंग का काम हुआ है। और कॉर्नर प्रॉपर्टी की टू साइड ओपन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, काम इसमें चल रहा है। यहाँ से भी है एंट्री, बट इन्होंने अभी यूज़ नहीं करा इसको, बट जितने भी आउटर्स हैं सब यहाँ आ जाएगा इस तरफ। और ये पूरी पार्किंग हो गई। मूविंग ऑन टू द लेफ्ट लॉबी, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्लास है, ये लेफ्ट लॉबी है, लेफ्ट जाएगी टॉप तक, छत तक जाती है। ये स्टेयरकेस है और इसमें काम करा गया ग्रेनाइट का। मूविंग ऑन टू द फोर एरिया फ्रेंड्स, ये ओटीएस की लिफ्ट है और टॉप तक आ रही है, छत तक, फिफ्थ फ्लोर तक आएगी। मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखिए अंदर का डिज़ाइन हो गया ये। और लिफ्ट इसमें क्या है कि फिफ्थ तक आती है, ओटीएस की लिफ्ट है और 408 kg का कैपेसिटी है, 6% का लिफ्ट है। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, और ये छत, ये हो गया स्टेयर केस। इन्होंने क्या करा है कि इसको सेपरेट कर दिया है, जैसे कि ये वाला एक दिखाऊंगा अभी आपको। और जिनका विद्रू फ्लाइट है उसका ई एक्सेस है, और जिसका विद्युत फ्लाइट नहीं है उसका ये एक्सेस है। मैं भी दिखाऊंगा हम खोल के। मूविंग ऑन टू द इनसाइड, ऊपर जाने के लिए बोल भी दिया था भाई वो। और ये इसका डोर का डिजाइन हो गया। गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी। ये बेसिकली कॉर्नर की प्रॉपर्टी है सेक्टर 23 में, और ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। क्या है कि जो फ्लैट में एंट्री करते हो वो नॉर्थ वेस्ट है, और ये प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट है, 3 BHK बना हुआ है। और ये 1450 square feet कारपेट एरिया है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हो ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, इन्होंने सेपरेट ही कर दिया, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया फर्स्ट क्लास है। और ये फर्स्ट बेडरूम है, अटैच वॉशरूम, फ्रंट बालकनी हो गई, और ये ओपन मॉडुलर किचन बनी हुई है जो कि आप देख पा रहे होगे। और मेरे इस तरफ जो है मेरे लेफ्ट में सेकंड बेडरूम है, टू साइड ओपन बाथरूम है, रूम से भी कनेक्ट, और यहाँ डोर है जो कि आप हल्का देख सकते हो ये, तो यहाँ हॉल से भी है, रूम से भी है, और थर्ड बेडरूम है, अटैच वॉशरूम है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूँ इसकी, आपको स्विचेस की फ्रेंड्स, तो सारे में एंकर का स्विच यूज़ किया गया है, पॉली कैप के सारे वायर्स हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो सारे में ही इटालियन फ्लोरिंग का काम किया गया है जो कि आप देख पा रहे होगे। और आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है फर्स्ट क्लास। और ये मॉडुलर किचन बनी हुई है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फ्रेंड्स, इस तरफ जो है वो आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे सारे
डुअल सिंक है, यहाँ अवन माइक्रोवेव के लिए अवन के लिए यहाँ दिया हुआ है, पैंट्री इस तरफ हो गई और यहाँ प्लेटफॉर्म पे पूरी काम करी गई है ग्रेनाइट की, जो कि आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास इन्होंने काम करा हुआ है और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स ये। और यहाँ फॉसिलिंग का भी काम हुआ हुआ है फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो। और इस तरफ UPVC की इसमें आपको स्लाइडर विंडो मिल रहा है, एक डोर भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये रनिंग बालकनी छोटी सी है, बालकनी यहाँ भी चूँकि कॉर्नर है तो इसका एडवांटेज मिल रहा है आपको कि इसमें भी बालकनी एक यहाँ पे दिया हुआ है। टैप का प्रोविज़न वहाँ दिया है, ड्रेनेज के लिए वहाँ दी हुई है और टाइल्स का काम किया गया, टफन ग्लास लगी हुई है, आउटर के लिए भी यहाँ प्रोविज़न दिए हुए हैं और चिमनी का पाइप यहाँ से निकल जाएगा। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे आपकी स्टोव आएगी और एग्जॉस्ट ऊपर आएगा, सॉरी चिमनी ऊपर आएगी। और जितने भी फ्रेंड्स ये हैं सारे चैनल, सारे आइनोक्स के सारे फिटिंग्स हैं, सारे सॉफ्ट क्लोज ये, और स्टोरेज के लैम्पर स्पेस दिया हुआ है इसमें। और ये आपको यहाँ पे डोल्सिंग के साथ जैगवार की टैप मिल रही है और यहाँ पे बर्तन रखने के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। और ये जो है पेंट्री एरिया हो गया, ये भी आप देख पा रहे होगे फर्स्ट क्लास से, ये पेंट्री हो गई इसकी, ये इसका लेआउट हो गया फ्रेंड्स। आपका जो फ्रिज है वो यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा इस तरफ, और ये हो गया किचन एरिया। लेट्स स्टार्ट द ब्यूटी फ्रॉम द ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें काम किया गया है मार्बल का। और ये चूंकि कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो आप देख सकते हो UPVC की, इसमें आपको साइड विंडो दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लास यहाँ पे डोर्स लगा हुआ है, अच्छा व्यू आ रहा है, लुक एंड फील। यहाँ कॉब लाइट भी की गई है, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, उषा के फ़ैन लगे हुए हैं और यहाँ पे दो आपको AC का प्रोविज़न दिया हुआ है। और फर्स्ट क्लास यहाँ पे सोफ़ा आ जाएगा आराम से, 12 सीटर सोफ़ा आ जाएगा। और यहाँ पे TV भी आ जाएगी फर्स्ट क्लास, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी छोटी सी बालकनी दी हुई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्लास बालकनी है ये। और ये भी जो बालकनी फ्रेंड्स, फ्रंट बालकनी से हो रही कनेक्ट, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी काम करा गया है, ग्रे कलर की इसमें टाइल्स लगी हुई है, टफन ग्लास का यूज़ किया गया है रेलिंग में। आउटर के लिए सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए हुए हैं फर्स्ट क्लास, और टफन ग्लास यहाँ पे लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक AC का प्रोविज़न दिया हुआ है। और फ्लोरिंग की बात करूँ, मैंने बता दिया आपको सारे में इटालियन फ्लोरिंग का काम किया गया है, और ये लुक एंड फील है इसका, बहुत अच्छा लगेगा आप रहोगे भी ना, चूँकि कॉर्नर है तो अलग एक वाइब आएगी आपको रहने में भी। और ये जो फ्रेंड्स है, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है और ये मास्टर बेडरूम भी। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें सारे सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है फ्लोरिंग में, और फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ, जो कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट क्लास है। और UPVC के स्लाइडेड डोर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे बेड आ जाएगा। सामने TV पैनल दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, ये डोर का डिज़ाइन है। ये AC का प्रोविज़न यहाँ मिल रहा है आपको, इसके अंदर ही वॉकिंग क्लोजेट है, जो कि आप देख सकते हो ये। और इसमें यहाँ पे ड्रेसिंग भी मिल रहा है आपको फर्स्ट क्लास, और इससे अटैच ये वॉशरूम है। वॉशरूम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो सारे जितने फिटिंग्स है इसमें, सारे सनसेरा की फिटिंग्स हैं। ये इस वैनिटी मिल रही है आपको इसमें टच ग्लास के साथ, जो कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है इसका। और यहाँ पे इस तरह इन्होंने पार्टीशन ग्लास भी दिया हुआ है, और जैगवार के टैप के फिटिंग्स हैं। यहाँ कमोट आ गया इस तरफ, और इसमें आपको गीज़र भी लगी हुई है, और ये शावर एरिया हो गया, इसमें इन्होंने पार्टीशन ग्लास भी लगाया हुआ है। और ये ड्रेसिंग हो गया, ड्रेसिंग एरिया, यहाँ मिरर भी लगी हुई है फर्स्ट क्लास। और ये भी हो रहा है फ्रेंड्स फ्रंट बालकनी से कनेक्ट, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये आपका ड्राइंग रूम डाइनिंग, और ये जो है फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट। और ये किचन है, किचन के सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगी फर्स्ट क्लास। और ये हॉल का डिज़ाइन हो गया, मैं यहाँ से एंट्री किया था अभी, तो यहाँ डाइनिंग टेबल आ जाएगी, किचन सामने में है यहाँ, और इस तरफ यहाँ पे फ्रिज आ जाएगी। और यहाँ भी इन्होंने एक टीवी का टीवी पैनल का प्रोविज़न दिया हुआ फर्स्ट क्लास,
जो कि आप देख सकते हो, लाइट में ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ये आप देखिए फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास डाइनिंग टेबल आ जाएगी, पूरी इटालियन फ्लोरिंग है, किचन यहाँ आ गया और यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा और यहाँ पे टीवी पैनल भी आ जाएगी। तो आपने ये लेआउट देख लिया है फर्स्ट क्लास, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ वुडन वर्क किया हुआ है फर्स्ट क्लास। तो ये सेकेंड बेडरूम हो गया। फ्लोरिंग की बात करो तो इसमें भी वो सेरामिक वेट्रीफाइड ऐसा काम किया गया है। कॉर्नर प्रॉपर्टीज, यहाँ विंडो का प्रोविजन भी दिया है, साइड डोर्स मिल रहे हैं, एसी का प्रोविजन भी दिया हुआ है, फैन लगी हुई है, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, कॉप लाइटिंग की गई है, और इससे अटैच वॉशरूम हो गया। वॉशरूम की बात करूँ फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो जैगुआर के सारे फिटिंग्स हैं इसमें, टैप लगी हुई है, गीजर भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, पार्टीशन ग्लास भी लगी हुई है, और यहाँ कमोड है, वैनिटी है, वॉश बेसिन है, और ये शावर एरिया हो गया जो कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्लास है, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और ये जो बाथरूम है फ्रेंड्स, ये देखिए आप यहाँ पे इसका गेट दिया हुआ है और गेट यहाँ दिया हुआ है, ये रूम से है इसका अप्रोच, और ये हॉल से है। देखिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये हॉल हो गया, तो यहाँ से ये टू साइड ओपन बाथरूम हो गया, और ये साइडेड वार्डरोब मिल रही है इसमें आपको फर्स्ट क्लास, जो कि आप देख एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्या साइज़ है, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। ये देखिए इसमें सारे में प्रोफाइल लाइटिंग का भी काम किया गया है फर्स्ट क्लास, इस तरह भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कोई खोलते हैं आप तो ये लाइट जल जाती है, फर्स्ट क्लास है ये, और सारे ही सॉफ्ट क्लोज रहेंगे, जितने भी हैं सारे ही सॉफ्ट क्लोज हैं। तो यहाँ पे साइडेड वार्डरोब आ गए, और यहाँ दो विंडो दिया हुआ है, और ये पीछे की डोर्स है, ये पीछे की बालकनी हो गई, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी फ्लोरिंग की, तो आप देख सकते हैं इसमें काम किया गया है, यहाँ पे आयरन की रेलिंग दी गई है फर्स्ट क्लास, जो कि आप देख पा रहे होगे, और यहाँ पे आउटर के लिए भी प्रोविज़न दिया हुआ फर्स्ट क्लास। फ्लोरिंग की बात करूँ तो टाइल्स का काम किया गया है इसमें, और गीजर लगी हुई बाहर, और ये बालकनी होगी फर्स्ट क्लास। पीछे की जो बालकनी है ये आपकी सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम से हो रही कनेक्ट, और यहाँ पे टीवी पैनल का भी प्रोविज़न दिया हुआ है फर्स्ट क्लास। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ बेडरूम, सॉरी थर्ड बेडरूम, इसको मैं करता हूँ बंद। तो इसमें अगर बात करें फ्रेंड्स की फ्लोरिंग की, तो इसमें भी काम किया करा गया है, सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स का, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ जो कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीवीसी के साइड डोर्स मिल रहे, एसी का प्रोविज़न यहाँ दिया हुआ है, और इस तरफ जो है टीवी पैनल का प्रोविज़न भी मिल रहा है, साइड वार्डरोब मिल रही है, जो आप जो मैंने दिखाया था अभी आपको सेम साइज है, इसलिए सारे में ही प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया गया है इसमें। और ये भी आप देख सकते हैं एक इसमें भी दिया हुआ है, प्रोफाइल लाइट का काम किया गया है इसमें भी, और ये भी सॉफ्ट क्लोज है, और यहाँ पे यूपीवीसी का साइडेड डोर्स मिल रहा है, दो ग्लास डोर एक मेस डोर, इससे अटैच से वॉशरूम हो गया। वॉशरूम की बात करूँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो टाइल्स का काम किया गया है, ब्राउन कलर की इसमें आप सिर्फ वॉल टाइल में, वॉल में टाइल्स लगी हुई है, कमोट है, वो शावर है, और ये वॉश बेसिन आ गया फर्स्ट क्लास है, और जैगुआर के सारे फिटिंग्स रहेंगे इसमें। टाइल्स का डिज़ाइन आपने देख लिया, पार्टीशन ग्लास भी इन्होंने खड़ा हुआ है, ग्लास लगी हुई है इसमें, और ये शावर हो गया, फिटिंग्स जितने भी सारे जैगुआर की फिटिंग्स रहेंगे, और यहाँ एग्जॉस्ट फैन भी लगी हुई है। तो ये हो गया, वॉश बेसिन है, कमोट है, वो शावर हो गया, और इसका लुक एंड फील देख सकते हैं, लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है इसमें, और ये भी पीछे की बालकनी से हो रहा है कनेक्ट। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा फर्स्ट क्लास, यहाँ पे ड्रेनेज के लिए दिया हुआ है फर्स्ट क्लास, आउटर के लिए भी यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है, यूपीवीसी के इसमें साइडेड डोर्स मिल रहे हैं, दो आउटर इस तरफ आ जाएगा, दो आउटर आगे की तरफ आएगा, और यहाँ भी बैल्कनी दिया हुआ है फर्स्ट क्लास। तो ये इसका लेआउट हो गया फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, बाय, टेक केयर। और ये आपने देख ही लिया लुक एंड फील इसका, तो ये किचन है, किचन के सामने यहाँ डाइनिंग टेबल आ जाएगी। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।